एक आम आदमी के लिए स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? सिटी आम आदमी के लिए वो शहर है जहाँ उसकी सभी ज़रूरतें बिना किसी मुश्किल के उसे मिल जाएं, और चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो बुज़ुर्ग हो या जवान हो, आदमी हो या औरत हो, और सशक्त हो या फिज़िकली उसको कोई दिक्कत हो, इन सब के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो उसे मिल सकें आसानी से, वैसा शहर स्मार्ट शहर कहा जाएगा। क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है या फिर और कुछ? स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अहम है ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सुविधाएं भी होना, सब जो सर्विसेज हैं वो भी मिलना चाहिए आसानी से, और जहां तक हो सके घर बैठे मिलना चाहिए मोबाइल के ज़रिए। इंटरनेट सबके पास हो ना हो, मोबाइल आजकल हर एक के पास है, तो मोबाइल के ज़रिए आदमी के सब काम हो जाना चाहिए, उसके आने जाने की आवश्यकता कम हो, और अगर जाना ही पड़े कहीं तो फिर आसानी से जा सके, जिसे हम वॉक टू वर्क कहते हैं, यानी कि जो रास्ते हैं वहाँ पर पैदल चलने की भी सुविधा हो, साइकिल से जाने की भी सुविधा हो, आसानी से चल सकें, पैदल चल सकें, रात में या दिन में सेफ्टी भी हो, वो जहाँ रहें तो उनको घबराहट ना हो कहीं जाने में, सड़कों पर अच्छी लाइट हो, और जिस तरफ जब लोग चल सकेंगे, जगहों पे पहुंच सकेंगे, तब वो मेहनत भी कर सकेंगे, तब उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, तब वो सरकार से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनको सब्सिडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेहनत से कमाएंगे और ईमानदारी से वो पैसे भी देंगे, इस तरह से सरकार का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। देखिए, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कुछ हो, बड़ा हो छोटा हो, या मतलब उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, या आदमी हो या औरत हो, अगर उसको मेहनत करके पैसे कमाने का मौका मिले तो इससे अच्छी उसके लिए कोई बात नहीं है। ये तो मजबूरी में आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, चाहे वो सरकार हो या चाहे पड़ोसी हो, ये मजबूरी की बात है। जनता को मजबूरी से बाहर निकालना ही स्मार्ट सिटी का उद्देश्य होना चाहिए, और मेरी आशा है कि ये स्मार्ट सिटी इस दिशा में ही आगे बढ़ेगी। भारतीय रियल इस्टेट के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रमाणित हो सकता है? स्मार्ट सिटी तो रियल इस्टेट के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में आमदनी, हर एक आदमी को अच्छा घर चाहिए और बिज़नेस चलाने के लिए अच्छी दुकान चाहिए, और उसको अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है तो अच्छी बिल्डिंग चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो तो बहुत ही आवश्यक है। ये रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो बैकबोन है स्मार्ट सिटी के, लेकिन ओवरऑल जो है वातावरण, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी वातावरण ऐसा होना चाहिए कि ये जो अभी विकास है ये केवल कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए, विकास और उसका फल जन साधारण को मिलेगा तभी वो शहर स्मार्ट माना जाएगा, तभी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी सस्टेनेबल भला होगा लॉन्ग टर्म। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सरकार के दूसरे पदक्षेप जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? स्मार्ट सिटी को अकेले चलाने के बजाय सरकार की सभी योजनाएं जो हैं राज्य और केंद्र सरकारों की, जिसमें कि स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, हाउसिंग फॉर ऑल है, अमृत प्रोग्राम है, नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और URDPFI गाइडलाइंस हैं, नगर पालिकाओं और पंचायतों का सशक्तिकरण है, ये सभी योजनाओं को अगर हम साथ मिला के चलेंगे तब स्मार्ट सिटी जो है वो एक न केवल जल्दी बनेंगे लेकिन दिन तक चलेंगे भी, काफ़ी अवधि तक स्मार्ट बनेंगे। पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर का रोल आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जहाँ तक कोई भी विकास होता है तो प्राइवेट सेक्टर का, उस निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा उसमें पात्र है, क्योंकि जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस बढ़ाने के लिए और औद्योगिकरण के लिए, तो वो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता से जुड़ी हुई है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, तो उसका आना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और सरकार का रोल है, म्यूनिसपैलिटीज़ का ये रोल है कि वो योजनाएँ अच्छी बनाएँ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा बनाएँ, पार्टिसिपेटरी और एक्सेसिबल फ्रेमवर्क बनाएँ, जिससे कि जो संस्थाएँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एजेंसीज़ हैं उनके काम में सहूलियत भी हो और उनका फ़ायदा, उनके काम का फ़ायदा जन साधारण को, सबको हो, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको। हम अपने लोगों को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं? देखिए, लोग अपने आप ही स्मार्ट बनने लगते हैं, हम उनको अगर रास्ता दिखाएंगे, जहाँ सफाई होती है लोग सफाई रखना चाहते हैं, जहाँ पे डिसिप्लिन होता है लोग, जैसे मेट्रो रेल दिल्ली में आप देखें लोग क्यू बना के आराम से खुद जाते हैं,
कोई पुलिस वाला नहीं वहाँ होता है, मैंने तो नहीं देखा है। छोटे मोटे इधर उधर गार्ड दिखते हैं कोई, लेकिन वो कोई इतना उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग मेट्रो के अंदर भी बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, जाते हैं, तो लोग स्मार्ट बन जाते हैं अगर उनको स्मार्ट फैसिलिटीज़ दी जाए। आपके हिसाब से भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन हो सकता है? मतलब एकदम पहला कहना इतने बड़े देश में मुश्किल है, लेकिन जो 20 शहर अभी सेलेक्ट हुए हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्मार्ट बनने का। और मैं ये भी कहूँगा कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है इस समय उपलब्ध है कि जो शहर इवन गांव भी जो हैं वो भी स्मार्ट बनना चाहें तो अगर उनका नाम 20 के लिस्ट में नहीं है तो भी चंद वर्षों में ही वो स्मार्ट बन सकते हैं।